बात कराएंगे आपकी विक्रम जी से। विक्रम जी, ये जो सीजनली मशरूम फार्म करते हैं, इसमें वाकई फ़ायदा है या किसान बस यूं ही सिमट कर रह जाते हैं? नमस्कार के जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हो मेरे पास। और आपको और मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो सीजनली मशरूम, जो सर्दियों के दिनों में मशरूम का काम करते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप कम, जितना आप अपनी मतलब पैसे के मुताबिक, जितना आपका बजट बनता है उसके मुताबिक आप अपना काम करें। एक चीज़ की और सलाह देता हूँ मैं कि यूट्यूब में कई ऐसे चैनल बने हुए हैं जिसमें लोग वीडियो डालते हैं कि लाखों रुपए कमाओ छोटे से कमरे में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भी एक वीडियो था जिसमें लिखा हो कि 4 महीने में लाखों रुपए कमाओ, लेकिन लाखों रुपए कमाने का मकसद ये है कि हमारा जो 30x60 की शेड होती है, हाँ जी, वो खाली शेड जो है वो उसमें कंपोस्ट भी डाल के कम 1.5 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। अच्छा जी। अगर हम 1.5 लाख रुपया लगाते हैं तो हमारा 1.5 लाख बच के ऊपर 1 लाख रुपया में और बजट जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, तो ये मेथड होता है बोलने का कि आप घर बैठे 4 महीने में लाखों रुपए कमाओ। और दूसरी बात ये है कि किसान भाइयों को मैं एक चीज़ की सलाह देना चाहता हूँ कि कम से कम जो है वो 250-300 बैग जो है वो लगाओ, इतनी सी कंपोस्ट लगाएंगे जो आपका बजट भी है और बजट के मुताबिक आप अपना काम करेंगे और बढ़िया तरीके से आप उसका मुनाफा करेंगे। सर्दियों के दिनों में आपकी किसी चीज़ की कोई मुश्किल नहीं आएगी, टेम्परेचर, हवा, पानी एकदम आपको पूरा प्रॉपर मिलता रहेगा। अच्छा जी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर उतना सा ही बजट बना के काम करो जितना आप अपना कर सकते हो, क्योंकि मशरूम एक ऐसी लाइन है, मशरूम एक ऐसी चीज़ है कि ये सीधी सीधी खेती नहीं है। अच्छा जी, कठिन है काम करना मशरूम में? देखो, कठिन तो है, अगर हम कहें कि हम गेहूँ और धान की तरह इसको हम खेती कर लें तो वो नहीं है, है तो ये भी एग्रीकल्चर है। नहीं तो आपका मानना क्या है कि जो गेहूँ और धान की फसलें उगा रहे हैं वो आसान है? वो तो कितनी गर्मी में उगाते हैं आप, तो टेम्परेचर भी आपके यहाँ तो मेंटेन होता है, ठंड में उगाते हो तो? देखो, मैं अगर प्लांट की बात करूं तो वहाँ पे तो हवा, पानी, टेम्परेचर कंट्रोल करा जाता है जी। हाँ जी, वो सिस्टम होता है, सिस्टम के हिसाब से कंट्रोल करा जाता है। हाँ जी। अगर सर्दियों के दिनों में लगा रहे हैं तो उसको कुदरती मिलेगा सारा कुछ। सितंबर में आप अपनी एक कंपोस्ट बनाना स्टार्ट करो, अक्टूबर के फर्स्ट वीक आप स्पॉनिंग बिजाई कर लो। अच्छा, और नवंबर के बीच में आपकी मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। तब तक तो वैसे मौसम जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया का जितना भी मौसम है वैसे ठंडा हो जाता है जी। अच्छा जी। तो मुश्किल आती है उस टाइम पे दिसंबर और जनवरी में। अगर दिसंबर और जनवरी में आप लगा रहे हैं तो उस टाइम में आप कैसे ठंड को कंट्रोल करेंगे? तो हमने तो सुना है जी मशरूम ठंडे में होती है, और दिसंबर जनवरी तो इसके लिए बहुत ही अच्छा मौसम होना चाहिए क्योंकि वो तो बहुत ठंडा होता है। देखो जी, मौसम तो बहुत ठंडा होता है। हाँ जी, दिसंबर और जनवरी बहुत ठंडा होता है। जब मशरूम को टेम्परेचर 14-15 डिग्री 16 डिग्री का चाहिए निकलने का, तो बाहर ही जैसा 9 डिग्री 10 डिग्री होता है, बाहर इतनी धुंध पड़ी होती है। हाँ जी। इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ भी इतनी सर्दी में भी नहीं निकलती। अच्छा, मतलब कि ज़्यादा सर्दी में भी मशरूम नहीं उग पाती है और ज़्यादा गर्मी में भी नहीं उगेगी। तो लगभग लगभग हम जैसे हमारे चैनल पर आप बात कर रहे हो, तो हम जानना चाहेंगे कि कितना लगभग टेम्परेचर कैसे कैसे रहना चाहिए? देखो जी, जब हमने अब स्पॉनिंग करनी है, हाँ जी, स्पॉनिंग के टाइम हमारी शेड का, हमारे रूम का जो टेम्परेचर है, बैग का, बेड का, वो 24 से 26 डिग्री होना चाहिए। 24 से 26 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए। बैग का जो टेम्परेचर है, बेड का है, वो 24 से 26 डिग्री होगा। उसमें जितना अगर बैग रखा हुआ तो बैग का जो टेम्परेचर है वो 24-26 आएगा, बेड भी है तो बेड का भी 24-26 होगा। उसमें स्पॉट रन जो बीच की रनिंग होती है वो बढ़िया तरीके से चल। अच्छा, जो आपका मानना है कि 24 से 25 डिग्री अगर हम रखते हैं तो बीच का जो स्टार्टअप होगा, स्टार्टिंग होगा, रनिंग होगा, वो अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो फिर उसके बाद ठीक 15 दिन 12-15 दिन 18 दिन के बीच बीच एक केसिंग होती है जी। अच्छा, केसिंग कोकोपीट होती है। अच्छा, पुराना देसी गोबर होता है गाय का। केसिंग मतलब जी? केसिंग मतलब होती है जी, उसके कंपोस्ट के ऊपर एक परत दी जाती है। अच्छा जी, वो किस लिए दी जाती है? दो तीन चीज की बनती है, एक तो कोकोपीट भी होती है जी। अच्छा। और एक साथ में 2-3 साल पुराना गोबर लगाया जाता है। अच्छा। अच्छे तरीके से मिक्स करके और कंपोस्ट या बेड में 1.5 से 1.5 इंच जो है वो परत लगाई जाती है। अच्छा। उसके बाद उसको हल्का हल्का पानी देने के बाद टेम्परेचर डाउन करा जाता है। अच्छा। तो जब मशरूम निकलना स्टार्ट होती है उस टाइम पे टेम्परेचर हमारे बैग का, बेड का जो है वो 15 से 16 डिग्री होता है जी।
अच्छा, जब मशरूम निकलना स्टार्ट होती है 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर में मशरूम उगती है जी, उस टाइम पे हम उसको पर डे पानी देते हैं और कमरे में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनी होती है उसको सुबह शाम जो है वो रिलीज करते हैं जी। सुबह भी 1 घंटा हवा देनी होती है, शाम को भी 1 घंटा हवा देनी पड़ती है। तो मशरूम के मुताबिक ही पानी दिया जाता है कि आज मशरूम हमारी कितनी है, तो उसके हिसाब से पानी देंगे जो कल जो बढ़ जाएगी इसकी। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालेंगे? जैसे जी हमारा जो कच्ची छत बनी है तो एक साइड उसकी जो पन्नी है तरपाल है उसको उठाया जाता है। अच्छा जी। तो दूसरी तरफ वो बाहर निकालने के लिए भी पन्नी या तरपाल लगाई जाती है। हाँ जी। वहाँ से निकलती है जहाँ से एयर क्रॉसिंग कहते हैं जी उसको। अच्छा। एक साइड से हवा आएगी, दूसरी साइड से निकल जाएगी। अच्छा, मतलब उसमें हमारा जो CO2 है वो भी 1200-1800 PPM के बीच बीच होना चाहिए जब मशरूम आ रही है। अच्छा जी। कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके टाइम पे सुबह शाम ऑक्सीजन देते हैं कि उसकी हवा जो है अंदर की जो बैड स्मेल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। अच्छा, ये प्रोसेस कब तक करना पड़ता है? जब तक मशरूम निकलती है जी। अच्छा, मशरूम कितने दिन तक लगभग निकलती है? अगर सीजन के दिनों में लगाएं जी, सर्दियों में लगाएं, हाँ जी, तो अक्टूबर में स्पॉनिंग करते हैं तो नवंबर में निकलना स्टार्ट होती है, और जब तक हमारा टेम्परेचर शेड का जो है 15-16 डिग्री टेम्परेचर रहता है, हाँ जी, तब तक मशरूम निकलती रहती है। अच्छा। बाकी उसको निकालनी और निकलनी दोनों में फ़र्क है, क्योंकि अच्छा हम कहेंगे हम बैट लगा दिया, हाँ जी, और मशरूम अपने आप निकल जाए वो तो निकलेगी नहीं जी। अच्छा, तो क्या खुदाई उदाई करनी पड़ती है उसमें? उसमें हल्की हल्की जब मशरूम निकल गया उसके बैक क्लीनिंग बेड क्लीन जो सफाई है वो धीरे 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 करेंगे। अच्छा। जो गली सड़ी मशरूम होगी निकाल के फिर उसमें हल्की हल्की केसिंग कवरिंग करके। अच्छा, तो बिस्टर लगा सकते हैं जी, मेडिसिन डेसिस लगा सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे करके जी मशरूम निकालनी पड़ती है। अच्छा, ये जो बवस्टीन बोला ये दवाई है? सर बविस्टन एक ऐसी एंटी फंगस है जो कहीं भी बेड में बैग में कोई बीमारी आती है तो उसको रोकती है जी। अच्छा, है तो दवाई ना? हाँ है तो दवाई है, लेकिन अच्छा, केमिकल में नहीं और लगा सकते। हमने तो सुना कि मशरूम में दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता है। दवाइयों का इस्तेमाल होता है सर, लेकिन कम मात्रा में होता है जी। कम मात्रा में होता है। अच्छा। अगर हम उसको कहें कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लगा रहे हैं तो वो जैसे प्लांट है किसी का, AC प्लांट है, चिल्लर है, अमोनिया प्लांट है, तो वहाँ पे तो दवाइयों का असर ज़्यादा बढ़ जाता है जी। अच्छा, तो ये दवाइयाँ जो आपने नाम लिया बवस्टीन वगैरह का, खतरनाक तो नहीं है? नहीं है तो सर खतरनाक ही, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो क्वांटिटी है वो उसी हिसाब से लगाई जाती है भी किसी को नुकसान ना हो। अच्छा, तो जैसे कि हम बाज़ार से मशरूम परचेज करके और बनाते हैं खाते हैं, तो उसमें फिर ये दवाई हमारे कुछ नुकसान नहीं करेगी? नहीं, कोई नुकसान नहीं करती। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि इसकी मात्रा ही उतनी होती है कि जितनी मात्रा किसी को नुकसान ना करे। अच्छा। खाली जे जैसे मशरूम कोई भी फसल है उसको कीड़े मकोड़े भी लगते हैं जी। अच्छा जी। तो उसको रोकने के लिए जी मेडिसिन लगाई जाती है। अच्छा, उतनी मात्रा में लगाई जाती है कि जितनी इसकी डोज बनी जाए जी। अच्छा, तो वैसे कोई इसका साइड इफेक्ट ऐसा कोई नहीं है जो कि हमें? कोई इसका नुकसान नहीं है। मशरूम खाने से बॉडी में एनर्जी आती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, हाई प्रोटीन माना जाता है मशरूम को। अच्छा चलो, बहुत पहले का एक सवाल था मेरा पूछने का, लेकिन टाइम भी वीडियो का होता जा रहा, लेकिन वो सवाल बहुत ज़रूरी था तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। सबसे पहले आप ये बताइएगा, हमारे जो मशरूम निकलेगी कितनी, कितने पैसे की निकलेगी या कितना वजन निकलेगा, कुछ तो आइडिया दीजिएगा जो लगे। अगर आप 10 किलो कंपोस्ट का, 10 किलो खाद का एक बैग लगाते हैं। अच्छा, 10 किलो खाद लगाते हैं? हाँ। तो मैं एक बैग की आपको तो 10 किलो खाद तैयार करने में कितनी कॉस्ट लग जाएगी लगभग? सर उसमें ज़्यादा नहीं है तो आपके 70 से 80 रुपए का एक खर्चा आता है जी। 70 से 80 रुपए का महज खर्चा आएगा हमारा यहाँ पे, और फिर उसमें से प्रोडक्ट कितने का निकलेगा हमारा? वो आपको एक बैग से मिनिमम जो है वो 2.5 से 2.75 किलो मशरूम निकलेगी सर्दियों के दिनों में। अच्छा, 2.5 से 2.75 किलो मशरूम निकलेगी? कम भी निकल सकती है, ज़्यादा भी निकल सकती है। और मशरूम का वैसे कॉमन सा एक रेट क्या होता है मार्केट? रेट सर होता है कि मार्केट का अभी इसके इस टाइम में 120-130 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रही है जी। तो मान लीजिए आपका 90 रुपए का बैग पड़ गया, केसिंग भी डाल के, लेबर भी डाल के, 100 रुपए का मिनिमम आप बैग लगा लो। लेबर लगा के 100 रुपए? सारा कुछ लगा के आपका लाइट खर्चा, लेबर खर्चा, रॉ मटेरियल के हिसाब से 100 रुपए का आपको एक बैग पड़ गया। अच्छा। तो आपकी उसमें 2.5 किलो मशरूम निकली।
2.5 किलो होगी, सपोज देने सीधा सीधा 100 का ही रेट जोड़ लेते हैं तो 250 रुपये, 250 रुपये हो गया, तो 150 रुपया फार्मर को बच जाता है, आपका फार्मर का बच गया। तो गाइस ये आपने विक्रम जी से बात की, इन्हें बहुत अच्छी मशरूम की नॉलेज है, इनका अपना भी फार्म है, दूसरों के फार्म में विजिट भी करते हैं, और यदि आप भी अपने फार्म में कोई विजिट वगैरह कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इनका नंबर मिल जाएगा आपको, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।